अच्छा, अब हम ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसे हम बाद में क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे। क्लिनिकली किस तरह वो हमारी डिफरेंट बॉडी की जो कंडीशन होती है उनसे रिलेट करता है। वन किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन होती है, जब हमारी एक किडनी को रिमूव कर दिया जाए और एक कंस्ट्रिक्टर को ना दूसरी किडनी के रीनल आर्टरी के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, जो रीनल आर्टरी होती है वहाँ पर ग्रेटली रिड्यूस प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर आपने क्लम्प लगा दिया है, एक कंस्ट्रिक्टर लगा दिया, तो वहाँ पर ब्लड कम आएगा। जब ब्लड वहाँ पर कम आएगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और विद इन सेकेंड एंड मिनट सिस्टमिक जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो राइज होने लग जाएगा और कुछ दिनों के लिए राइज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि जो आपके स्वाम पे रिसेप्टर पड़े ना जे जी सेल, उन्होंने सेंस कर लिया कि हमारे पास प्रेशर बहुत पीछे से कम आ रहा है, और ये जो इफेक्ट होता है इसके बाद स्लोअर एडिशनल राइज होता रहता है नेक्स्ट सेवरल डेज के अंदर। पहले एक दफ़ा राइज करता है, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों तक वो राइज करता ही रहता है। जब सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर अपने नए स्टेबल पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि कंस्ट्रिक्शन के बाद वाला पॉइंट है, उनके एक कंस्ट्रिक्शन दिन आपने अगर ये पूरी की पूरी आर्टरी ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर हमने कंस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रिक्शन लगा दी है तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, लेकिन यहाँ वाला जो प्रेशर होता है ये हमारे पास इतना कम नहीं करता। कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ वाला प्रेशर है वो इतना कम उस हद तक कम नहीं करता जिस हद तक इसे कम कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये वाला प्रेशर इस साइड का और इस साइड का आपस के अंदर बराबर हो जाएगा ना प्रेशर, तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मल लेवल के ऊपर आ गया। जब सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर अपने नए स्टेबल पॉइंट के ऊपर पहुँचता है जितना डिस्टल टू कंस्ट्रिक्शन होता है आपके पास, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल की तरफ आ गया है, या हाइपरटेंशन को हम कह देते हैं। इस तरह जो हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है ना, कि हमारा एकदम से जो कंस्ट्रिक्शन से पहले पहले वाला पॉइंट है वहाँ पे हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि रेनिन रिलीज होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होती हैं आपके पास, रिटेंशन होती है। इस तरह जो हमारे पास हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं वन किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन आ गया, ठीक है जी। जो अब हम रीज़न देख रहे हैं, जो अर्ली राइज होता है ना आर्टीरियल प्रेशर के अंदर, वो रेनिन एंजियोटेंसिन वैसो कंस्ट्रिक्टर की वजह से होता है। पहले वाला जो हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से हुआ, और जो पुअर ब्लड फ्लो हो सकता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो पुअर ब्लड फ्लो किडनी से होता है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनिन को रिलीज करता है आपके पास, ठीक है जी। और रेनिन से फिर आपके पास एंजियोटेंसिन टू और एल्डोस्टेरोन के लेवल भी ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाते हैं। तो जो एंजियोटेंसिन टू होता है फिर वो आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, वो पीक पे पहुँचता है 1 से 2 घंटों के ऊपर, और लेकिन 5 से 7 दिनों के अंदर वो अपने वापस पोजीशन के ऊपर आ जाता है। जो दूसरी दफ़ा राइज होता है ना आर्टेरियल प्रेशर के अंदर, वो आपके पास रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर से होता है, जो कि कंस्ट्रिक्टिव किडनी करा रही है। एक किडनी तो है ही नहीं है हमारे पास, एक किडनी तो बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, जो दूसरी किडनी है उसके ऊपर हमने कंस्ट्रिक्टर लगाया हुआ है ताकि हम वहाँ के रेनिन को स्टिमुलेट करें। इस तरह वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हद तक इंक्रीज़ कर चुका होता है, और ये अब जो वैसो कंस्ट्रिक्शन का होना है, वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना है, ये एक हाइपर टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास। तो जो एओर्टिक प्रेशर होता है, हम यही चाह रहे हैं कि जो एओर्टिक प्रेशर है ना वो डिफरेंट मीन से वैसो कंस्ट्रिक्शन से और वॉल्यूम की रिटेंशन से इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए कि वो जो यूरिन के आउटपुट है ना उसको कास करने के लिए इनफ हो जाए। तो सिमिलर सिनेरियो आपके पास रिजल्ट करता है। अब इसका क्लिनिकल कोरिलेट या क्लिनिकल इसका जो है ना वो कहें कि इसका परस्पेक्टिव किस तरह बनेगा, वो ये है कि स्टिनोसिस अगर हो जाए ना रीनल आर्टरी का, अगर एक साइड की ऑफ द सिंगल रिमेनिंग किडनी एज इन सम ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट, ये कंडीशन आपके पास तब तो रिलेट करेगी जब हम कह सकें कि एक बंदे ने ट्रांसप्लांट कराया है अपनी किडनी का, एक किडनी उसकी रिमूव हो गई है और बाकी एक किडनी रह गई है। तो अगर उसका स्टीनोसिस हो जाएगा तो उसके स्टीनोसिस की वजह से ब्लड का जो फ्लो है या प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब वो जैसे ही वो प्रेशर कम हो जाएगा तो वो सेंस करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा, और ये वाला सारे मैकेनिज्म चलेगा आपके पास। या एथेरोस्क्लेरोसिस है, एक्सेसिव वैसो कंस्ट्रिक्शन आ गया, उन्होंने आपके पास हाइपरटेंशन कास कर दिया। ये थी वन किडनी। अब हम बात करेंगे आपके पास जाके टू किडनी जो है ना, हमारे पास टू किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन आगे जी, ठीक है जी। ये हम देख लेते हैं कि टू किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये हो सकता है कि जो दोनों किडनीज है वो फंक्शनल होती हैं, दोनों किडनी हमारे पास होती है, लेकिन हम जो एक किडनी की आर्टरी होती है ना उसके ऊपर कंस्ट्रिक्टर लगा देते हैं जबकि दूसरी आर्टरी को नॉर्मल रखते हैं। जो कंस्ट्रिक्टेड किडनी होती है वो रेनिन को रिलीज़ करती है, रेनिन को सिक्रीट करती है, और साल्ट की रिटेंशन भी करने लग जाती है, क्योंकि अब उसके पास आर्टीरियल प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल नहीं आ रहा उसी केस के अंदर। और जो नॉर्मल ऑपोजिट किडनी होती है ना वो भी वाटर और साल्ट दोनों को रिटेन करने लग जाती है। क्यों रिटेन करने लग जाती है? क्योंकि जो रेनिन होता है ना, जो डैमेज किडनी या वो कंस्ट्रिक्टेड किडनी प्रोड्यूस कर रही होती है, वो उसके ऊपर भी जाके एक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो सर्कुलेट करके जो रेनिन होता है वो अपोजिट किडनी के पास चला जाता है, वहाँ पर जाके साल्ट और वाटर दोनों को रिटेन करता है। तो दोनों किडनीज हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए, एक किडनी के ऊपर कंस्ट्रिक्टर लगा हुआ है और जो दूसरी किडनी है ना वो दूसरे के रेनिन से, क्योंकि रेनिन जो है वो सर्कुलेट करेगा उसके तक,
तो वो भी आपके पास कर रही है, कंस्ट्रिक्ट कर, वो रिजर्व कर रही है, कंजर्व कर रही है, तो कॉन्सिक्वेंटली हाइपरटेंशन डेवलप करती है। इसका जो क्लिनिकल काउंटर पार्ट टू किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन का है ना, वो ये होता है जब आपके पास स्टीनोसिस हो जाता है सिंगल रीनल आर्टरी का। अब आपके पास दोनों किडनीज अगर मौजूद हों लेकिन एक आर्टरी का स्टीनोसिस हो जाए, तो दोनों किडनीज ही काम के अंदर उतर आएंगी। वो कहेंगे कि हम, मेरे काउंटर पार्ट को मसला हो रहा है, तो मैं इसके अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट करूँगी। ठीक है, अगली चीज़ आ जाती है आपके पास हाइपरटेंशन काज बाय द डिजीज किडनीज जो कि सिक्रीट करती हैं रेनिन को क्रोनिकली। अगर आप क्रोनिकली रेनिन को रिलीज करते रहेंगे तो भी आपके पास मसला तो हो सकता है ना, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे भी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। तो जी हाइपरटेंशन आपके पास खास हो सकती है, इस तरह हो सकता है कि जो हमारी एक किडनी है वो, या फिर एक पूरी की पूरी किडनी के अंदर पैची एरियाज, एक एक के अंदर, या फिर दोनों की किडनी के, दोनों किडनी के अंदर अगर आपके पास पेयर हो जाएंगे तो इसकीमी के पोर्शन बन जाएंगे किडनी के अंदर, तो लोकल वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन या इन्फेक्शन आ सकती हैं। जबकि जो दूसरे एरिया होते हैं ना किडनी के, वो नॉर्मल रहते हैं। जब ये वाली सिचुएशन अगर करती है ना, तो जो आइडेंटिकल इफेक्ट वो हमारे पास अगर करेगा, वो जो कि होता है आपके पास टू टाइप ऑफ, जो टू किडनी टाइप होता है गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन में, यानी कि अब एक किडनी की, एक किडनी है ना उसके अंदर ख़राबी है, लेकिन जो काम है वो दोनों किडनीज को एक साथ ही करना पड़ रहा है जी। पैची वाले जो है वो रेनिन को रिलीज़ करेंगे, लेकिन वो रेनिन होगा सिर्फ उनके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, वो जाके दूसरे के ऊपर भी एक्ट करेगा। तो जो कॉमन काज होती है ना रीनल हाइपरटेंशन की ओल्डर पेपर के ऊपर, वो यही होता है कि जो पैची डिजीज़ का स्कीमिया होता है ना, जैसे लिखा हुआ है बुक के अंदर, कि जो कॉमन काज होती है ना ओल्डर पेपर के अंदर, वो यही होती है कि जो पैची स्कीमिया हुआ था ना, वही जो किडनी डिजीज होती है वही वाली इसके अंदर जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे पास। पैची वाली जो है ना डिजीज़ किडनी की, उसमें ही ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है, वो क्या है, दूसरी तरह की हाइपरटेंशन है जो कि कम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम लोडिंग और वैसा कंस्ट्रिक्शन से बनती है। अब हाइपरटेंशन की बात करें, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो काज बाय द कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा, कोआर्कटेशन मतलब नैरोइंग ऑफ एओर्टा हो जाता है, नैरोइंग ऑफ एओर्टा का हो जाना कोआर्कटेशन कहलाता है। अब एओर्टा जो है ना, हमने कंसीडर करना है जो एओर्टा है ना, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हमारे पास ऐसी देखने को मिल जाती है, इन बच्चों के अंदर भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर ये होता है कि जो एओर्टा होता है ना, वो आपके पास जो आर्टरीज है ना उनके बियॉन्ड, जो कि हेड और नेक वगैरह को सप्लाई कर रही है, हेड और आर्म को सप्लाई कर रही है, उनके बियॉन्ड, लेकिन प्रोक्सिमल टू द रीनल आर्टरीज आपके पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। इस वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर होगा ना अपर पार्ट के अंदर, वो अभी नॉर्मल रहेगा, और जो प्रेशर है ना लोअर पार्ट के ऊपर, जैसे किडनी वगैरह है, वहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है ना कोआर्कटेशन की वजह से, वो कम हो जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो करता है रोल लोअर बॉडी से, वो कैरी कर रहा है जी, उसको मल्टीपल छोटी छोटी आर्टरीज, कोलेटरल आर्टरीज लेके जा रही हैं बॉडी वाल के ऊपर, और जो रेजिस्टेंस है अपर लोअर एओर्टा के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, तो जो आर्टीरियल प्रेशर है ना अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, वो 40 से 50% हायर है एज़ कम्पेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैकेनिज्म किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, वो मैकेनिज्म अपर बॉडी के साथ आइडेंटिकल है एक किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन के ऊपर। ठीक है जी, एक किडनी गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन के ऊपर है कि जब एक कंस्ट्रिक्टर को प्लेस करते हैं एओर्टा के ऊपर रेनल आर्टरीज के अबव, तो जो प्रेशर होता है दोनों किडनीज के ऊपर पहले फॉल करता है, फिर रेनिन को सिक्रीट किया जाता है, आपके पास एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन वगैरह बन जाते हैं, हाइपरटेंशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर डेवलप करती है। अब जो आर्टीरियल प्रेशर होता है ना लोअर पार्ट के ऊपर, अब वो भी ऐसा ऐसा इस मैकेनिज्म की वजह से राइज करने लग जाएगा, वो भी ऐसा ऐसा ज़्यादा होने लग जाएगा। लेकिन जो प्रेशर होता है ना, अब जो लोअर पोर्शन था ना उसमें तो प्रेशर कम था, तो वहाँ हाई हो जाएगा, लेकिन जो अबव पोर्शन था, अपर पोर्शन था, उसमें पहले ही 40 से 50% हाई था, उसमें वेरी हाई हो जाएगा अब। ठीक है जी, तो किडनी अब इस्कीमिक नहीं है, इसलिए इससे जो रेनिन वगैरह की फॉर्मेशन है वो रुक जाती है, लेकिन कोआर्कटेशन ऑफ एओर्टा के अंदर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर या लोअर पोर्शन जो है ना, वहाँ पे प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है, वहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप कर चुकी होती है। ठीक है जी, तो अब हम अगली चीज़ देखते हैं आपके पास, रोल ऑफ फोटो रेगुलेशन इन हाइपरटेंशन काज बाय एओर्टिक कोआर्कटेशन कोआर्कटेशन। ठीक है, जो ब्लड फ्लो होता है ना आपके पास इन द आर्म, और प्रेशर में 40 से 60% अबव द नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं है, एग्जैक्टली नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जो ब्लड फ्लो लंग के अंदर है जहाँ पे प्रेशर एलिवेटेड नहीं है, वो भी नॉर्मल है। ब्लड फ्लो दोनों जगह पे नॉर्मल है, लेकिन जो प्रेशर है वो ऊपर ज़्यादा है, और जो वो है ना जो प्रेशर है वो ऊपर ज़्यादा है लेकिन प्रेशर नीचे कम है, ये किस तरह पॉसिबल है कि प्रेशर अपर बॉडी में 40 से 50 या 60% ज़्यादा हो लेकिन लोअर बॉडी में कम हो, लेकिन फिर भी ब्लड फ्लो सेम हो? तो कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होता वैसो कंस्ट्रिक्टिव सब्सटेंसेस अगर ब्लड के अंदर जा रहे हैं ना, तो जो ब्लड के अंदर चीज़ें फैल रही हैं वो तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो तो कॉमन ही है आपके पास,
अपर एंड लोअर बॉडी, क्योंकि सेम ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है दोनों एरियाज़ के ऊपर। लाइक वाइज जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी इनर्वेट कर रहा है दोनों एरिया ऑफ सर्कुलेशन को। इसलिए कोई रीज़न नहीं है कि हम बिलीव करें कि डिफरेंस होगा नर्वस कंट्रोल को ऑफ द ब्लड वेसल के ऊपर। और जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो लॉन्ग टर्म ऑटो रेगुलेशन होती है ना वो डेवलप इतनी कम्प्लीटली कर जाती है कि जो लोकल ब्लड फ्लो का कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं ना वो 100% इन डिफरेंसेस को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो प्रेशर होता है ना ऊपर वाले पोर्शन में वो इस वजह से हाई रह रहा होता है क्योंकि वहाँ पे कोआर्कटेशन से पहले सारा कुछ नॉर्मल था, और जब मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो वो नॉर्मल से भी ज़्यादा वो प्रेशर ऊपर चला जाता है, बाद में उसने भी ठीक हो जाना होता है। तो ये रिज़ल्ट हो सकता है कि दोनों हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया के अंदर जो लोकल ब्लड फ्लो होता है उसको लोकल ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं जो कि नीड ऑफ द टिश्यू के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग नहीं होते। यानी कि जो ब्लड की फ्लो है ना उसको आपने कंट्रोल करना है नीड ऑफ टिश्यूज़ रैदर देन विद द लेवल ऑफ द प्रेशर। अगर प्रेशर के लिहाज से करें तो ब्लड के अंदर भी डिफरेंस आएगा, लेकिन हम प्रेशर के लिहाज से इसको रेगुलेट नहीं करते हैं, हम इसे नीड के लिहाज से रेगुलेट करते हैं। हाइपरटेंशन इन प्री क्लैम्पशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइपरटेंशन अब प्री क्लैम्पशिया के अंदर क्यों होती है और इसके क्या क्या नुकसान है, क्या इसकी कॉजेज़ हैं, ये भी हम देखेंगे। प्री क्लैम्पशिया के साथ यानी कि ये वो हाइपरटेंशन है, इसको टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये वो वाली हाइपरटेंशन है जो कि तब तक रहती है जब तक कि प्रेगनेंसी होती है, जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो ये भी ऑब्लिट्रेट हो जाती है, साथ ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी, सबसाइड कर जाती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये क्यों हो सकती है, इस्कीमिया ऑफ द प्लेसेंटा हो जाएगा, इस्कीमिया ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर सबसिक्वेंट आपके पास रिलीज हो सकता है टॉक्सिक फैक्टर जो कि प्लेसेंटा से निकलते हैं और फिर वो जाके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि एक विशेष साइकिल चला देगा या कोई ऐसी साइकिल चला देगा जो हमारी या फिर जो फीमेल है जो पेशेंट है कंसर्न उसकी बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जिसमें हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। वो किस किस तरह करेगा ये अभी हम देखते हैं वो किस तरह करेगा। तो सबसे पहले जो सब्सटेंसेस इस्कीमिक प्लेसेंटा से निकलते हैं ना वो डिसफंक्शन कराते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स का, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो होते हैं उनके अंदर जाके डिसफंक्शन हो जाएगा, उनका डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड वेसल है किडनी के अंदर उनका भी जाके जब वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल जो डिसफंक्शन करा देंगे। अब ये जो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है ये डिक्रीज करता है रिलीज़, अब एंडोथेलियल सेल ही तो अंदर वाली साइड से लाइन कर रहे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज़ को कम कर देता है या फिर दूसरे जो वैसो डायलेटर सब्सटेंसेस होते हैं ना उनकी सिक्रीशन को कम करता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होने लग जाती है। अब वैसो डायलेटर रिलीज़ नहीं हो रहे, वैसो कंस्ट्रिक्टर रिलीज़ हो रहे हैं, रेट ऑफ द फ्लूड की फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से रिनल ट्यूब्यूल के अंदर भी वो भी कम हो गई है, और इम्पेयर्ड रेगुलर जो रिनल प्रेशर नेट्रियोसिस वो भी होता है, तो डेवलपमेंट हो जाएगी हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन की डेवलपमेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई जा रही है तो जो जेजी सेल हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो फ्लूड की फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रही तो ज़्यादा फ्लूड आ रहा है वहाँ पे, अब तो भी जो है ना वो जो जक्स्ट वो सेल्स होते हैं मैक्यूलर डेंसल सेल वो भी कह रहे हैं कि जब फिल्ट्रेशन हो के डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड नहीं आ रहा तो वो भी आपके उस रीजन को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है जी। एक अदर जो इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है ना इस कंडीशन के अंदर वो होती है थिकनिंग ऑफ द किडनी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जब थिकन हो जाएगी ना किडनी की ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन तो उसे पास करना और मुश्किल हो जाएगा, रिड्यूस करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, आर्टीरियल प्रेशर जो रिक्वायर्ड टू काज द नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन वो भी एलिवेट हो जाएगा, अब वो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म लेवल होता है ना आर्टीरियल प्रेशर का वो भी एलिवेटेड हो जाएगा आपके पास। तो ये वाले पेशेंट के अंदर जब वो दोनों के लेवल अब इंक्रीज़ हो चुके हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ना फिल्ट्रेशन हो रही है और ना कुछ हो रहा है तो रेनिन रिलीज हो गया, जैसे ही रेनिन आता है और रेनिन आएगा तो एल्डोस्टीरोन सॉरी एल्डो जो एंजियोटेंसिन टू हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा वो भी, तो फिर उससे जो लेवल है वो उसने वैसे ही एलिवेट कर देना है आपके पास, ठीक है। तो ये प्री क्लैम्पशिया था, प्री क्लैम्पशिया के अंदर हमने डिफरेंट काज देख ली कि क्यों क्यों हो रहा है वो, ठीक है। अब हम आगे जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन एंड न्यूरोजेनिक हाइपर टेंशन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हो सकता है, जब एक पर्सन एक्साइटेड होता है किसी भी रीज़न के अंदर या फिर एंगजाइटी आती है सिम्पथेटिक सिस्टम इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि जो पेरीफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो हर जगह अकर करती है, जब पेरीफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन अकर करेगी तो जो हमारे पास रीनल आर्टरीज का जो ब्लड होता है ना वो इंटरप्ट होगा, वहाँ से आपके पास रेनिन ने रिलीज होने लगता है ना, ठीक है ठीक है। एक अदर टाइप जो होती है वो एक्यूट न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन की वो तब होती है जब जो नर्व होते हैं ना बैरोसेप्टर से लेके जा रही होती है उनको काट दिया जाए, या फिर जो न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटेरस होती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए दोनों साइड ऑफ मेडुला के ऊपर।
तो ये वो वाले एक्चुअली एरिया था जहाँ पे कैरोटिड और रियोटिक बॉडीज़ के जो बैरोसेप्टर होते थे वो कनेक्ट कर रहे होते थे ब्रेन स्टेम के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्लोसोफेरेंजियल और जो वेगस नर्व है पीछे आके टर्मिनेट कर रही है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर। तो सडन अगर सजेशन हो जाएगी नॉर्मल नर्व सिग्नल से बैरोसेप्टर से जिनके पास इफेक्ट था नर्वस प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म का, अब रिडक्शन हो गई है आर्टेरियल प्रेशर की इन द एओर्टा और कैरोटिड बॉडीज़ हैं तो ये सिग्नल वगैरह भेजते थे। तो अगर हम देखें तो अब यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, जब यहाँ से सिग्नल नहीं आते तो नॉर्मली यही होता था कि जब प्रेशर कम होता था तो यहाँ से जो जब प्रेशर नॉर्मल होता है तो यहाँ से सिग्नल ना जा रहे होते थे हमारे पास वेजो मोटर सेंटर में और उसको जाके इनहिबिट कर रहे होते थे, वो उसे कह रहे थे ऑल इज़ वेल, सब कुछ ओके है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो नर्व है ये सेक्शन हो गई हैं, यहाँ पे ये वाले पूरे के पूरे ट्रैक टी सेक्शन हो गया, तो अब यहाँ से इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं जाएगा तो जो वेजो मोटर सेंटर है ना वो एक्टिव हो जाएगा, वो इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो नॉर्मल प्रेशर 100 से लेकर 160 तक बढ़ा देगा उसको। लेकिन ये जो प्रेशर होता है नॉर्मली 2 दिनों के बाद अपनी औकात पे वापस आ जाता है और दोबारा से अपने लेवल पे वापस आ जाता है, ताकि क्यों आ जाता है वापस, इसको कहते हैं सेंट्रल रीसेटिंग ऑफ द बैरोसेप्टर प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। इसलिए जो हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन होती है वो बाय द सेक्शनिंग ऑफ द बैरोसेप्टर वो एक्यूट टाइप की होती है, वो क्रोनिक टाइप की नहीं होती, वो 2 दिन के बाद खुद ही सेंट्रल रीसेटिंग ऑफ द बैरोसेप्टर प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म से वापस आ जाती है, जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन के अंदर भी। क्यों करता है? क्योंकि इससे रीनल सिम्पथेटिक नर्व को एक्टिवेट करता है, जब रीनल इन्वॉल्व हो गया फिर तो ये आपके पास लॉन्ग टर्म बात चली गई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेसिव वेट गेन आ जाए, ओबेसिटी हो जाए, इससे एक्टिवेशन हो सकती है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि स्टिमुलेट करेगा रीनल सिम्पथेटिक नर्व को, इंपेयर कर देगा रीनल प्रेशर को, नेटूरेसिस को, और फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन भी काज कर सकता है। ठीक है जी, ये जो अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये एक मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं उन वाले पेशेंट के अंदर जिनके ये उन पेशेंट के अंदर करती हैं जिनके पास आपके पास क्या होता है, जिनके पास होता है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम अगली बात करें तो आती है जेनेटिक काज हमारे पास हाइपरटेंशन की, तो जेनेटिक काज हाइपरटेंशन की अगर हम देखें तो अर्ली डेवलपमेंट जब हो रही होती है ना जेनेटिक काज होता है हाइपरटेंशन की, उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है ये भी हम डिटेल में देखते हैं। तो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिडरेबली ज़्यादा एक्टिव होता है, हम रेट्स की बात करेंगे तो उन रेट के अंदर जहाँ पे जेनेटिकली होना होता है तो वहाँ पे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है उनकी निस्बत जो कि हेल्दी होते हैं। लेकिन लेटर स्टेजेस के ऊपर जाके स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ऑब्जर्व किए जाते हैं नेफ्रॉन ऑफ किडनी के ऊपर। तो कौन से स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं? जो प्री ग्लोमेरुलर रीनल आर्टरीज की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो प्री अभी वो उसके पास लेके आ रही होती है ना तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रनिंग रिलीज होने लग जाएगा आपके पास, या फिर डिग्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से चीज़ें पास आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म है ना कंटिन्यूस ऑफ द हाइपरटेंशन होगा जी। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन भी किसी किसी टाइप में साथ देखा गया है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट जीन की म्यूटेशन जब होती हैं तो हमारे पास जेनेटिक हाइपरटेंशन होती है। ये जो फॉर्म है इनको मोनोजेनिक हाइपरटेंशन कहते हैं क्योंकि म्यूटेशन होती है एक सिंगल जीन की। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो भी हो रही होती है, वो यही होती है कि इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन होता है, कि हाइपर टेंशन जो है वो एसोसिएटेड आपके पास है इम्पेयर किडनी फंक्शन से। वो क्या हो जाता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाती है रीनल आर्टरीओज की, एक्सेसिव साल्ट या वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई जा रही है, साल्ट या वाटर रीअब्जॉर्ब हुई जा रहे हैं, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करी जा रहा है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमें पता है कार्डिक आउटपुट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो इस केसेस के अंदर क्या होता है कि जो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होती है वो जेनेटिक म्यूटेशन के ऊपर होती है, जो कि डायरेक्टली इंक्रीज करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम या क्लोराइड रीनल ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल के अंदर। दूसरे केसेस के अंदर जो जीन की म्यूटेशन होती है उसमें सिंथेसिस या एक्टिविटी हार्मोन की बढ़ जाती है, जो कि रीनल ट्यूबुलर साल्ट या वाटर रीअब्जॉर्प्शन, फिर से रीअब्जॉर्प्शन, बहुत सारी रीअब्जॉर्प्शन के गिर्दी घूम रही है वो बढ़ जानी है यहाँ पे। और मोनोजेनिक हाइपरटेंशन के अंदर इम्पेयर किडनी फंक्शन एक लाजमी सी चीज़ बन जाता है आपके पास। ठीक है जी, मोनोजेनिक हाइपरटेंशन रेयर होती है और जितनी फॉर्म होती है ना टुगेदर वो लेस देन 1% ऑफ द ह्यूमन हाइपरटेंशन को अकाउंट कर रही होती है। ये था हमारे पास टोटल जो है ना हम कह लें कि हेरिडिटरी जो हाइपरटेंशन है उसकी यही काजेज है कि वो मोनोजेनिक है, वो एक ही जीन के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब अगर हम देखें तो वो किडनी के इम्पेयरमेंट के साथ एसोसिएटेड होगी और उससे जो वाटर की और उसकी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है।